अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वंस अगेन आज मेरा जो कंटिन्यूएशन लेक्चर है, जिस तरह हमारे पिछले लेक्चर थे, तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी प्रेगनेंसी कैटेगरीज के जितने भी ड्रग्स है उस पर हमने काफ़ी डिस्कशन की है, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था अगर आपको लेट सपोज़ ये कंटेंट आपको चाहिए तो काइंडली आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने अपने लेक्चर्स में मेल को मेंशन किया है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। सो देन आई विल शेयर ऑल दीज लेक्चर्स विद यू। तो जिस तरह हमने पहले कहा कि एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन की है कि कौन से ड्रग्स जो हैं वो मतलब किस कैटेगरी के साथ वो बिलोंग करता है, एंड दे आर सेफ और अनसेफ इन प्रेगनेंसी। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो एंटी वायरल पे है, ठीक है। एंटी वायरल में कौन कौन से ड्रग्स हैं, ठीक है, जो सेफ है प्रेगनेंसी में, और इसके अलावा जो हैं कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो द मोस्ट कॉमन ब्रांड्स और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ड्रग जो है वो एसिक्लोवायर है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द फिजिशियंस रिकमेंडेड एसिक्लोवायर, ये एंटीवायरल ड्रग में आता है। और याद रख ले एसिक्लोवायर ड्रग जो है ये दिस इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड पर सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर एसिक्लोवायर जो है उसको हम ओरली ले लें तो दिस इज स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, स्पेशली ये हम ओरली नहीं ले सकते, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इसके कुछ डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ में ये हैं कि हेड एंड टेल डेवलपमेंट एंड लोअर एनिमल्स फीटसिस, ठीक है जी। तो डेफिनेटली कोई भी ऐसा ड्रग नहीं है जिनके डीआर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसा ड्रग नहीं है जिनके साइड इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है। सारे ड्रग जो हैं इनके एडीआर्स भी होंगे, इनके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे, ठीक है। तो ये कैटेगरी बी के साथ बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हैं बिल्कुल यू कैन सी हियर फेमसिक्लोवायर जो हैं फेमसिक्लोवायर है और गैनसिक्लोवायर है, ठीक है। अब इमेट्रिडीन की तरफ मैं आता हूँ, ठीक है। लिटरेचर वालों ने इन ड्रग के बारे में दे हैवन रिपोर्टेड एनीथिंग, बट स्टिल आई कैन से दीज आर आल्सो देयर आर सम कॉन्ट्रडिक्शन हियर। इमेट्रिडीन जो है, इमेट्रिडीन ये भी एंटीवायरल ड्रग में आता है। इट इज़ यूज ओनली एफ क्लियरली इंडिकेटेड, ठीक है। इमेट्रिडीन जो है इसको आप मतलब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर ज़रूरत हो, लेकिन हाई डोज पे एट में लीड टू कार्डियक माल फॉर्मेशंस इन केस ऑफ ओवर डोजिंग की वजह से फिर कार्डियक जो है एबनॉर्मेलिटीज आ सकता है। तो ये भी बिलोंग करता है, ठीक है, कैटेगरी सी। सो अनदर वन इज फॉस्कर्नेट। सो फॉस्कर्नेट इज अनदर एंटी वायरल ड्रग। सो देयर इज नो ह्यूमन डेटा इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बट the case reports describe the treatment in the second and third trimester with no adverse effects in the neonates. It should be used only when the benefit outweighs the unknown risk to the fetus due to potential for the renal toxicity. Close follow-up of fetus and monitoring of amniotic fluid volume is recommended. At high doses, it may also cause or may lead to cardiac malformation. तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये जितने भी ड्रग्स तकरीबन मैंने मेंशन किए हैं ये सारे जो हैं बिलोंग करता है कैटेगरी सी के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद इंशाल्लाह एंटी ट्यूबरकुलर पे हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, और एंटी ट्यूबरकुलर के अलावा जो हैं और भी काफ़ी ड्रग्स हैं, तो इंशाल्लाह वी शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। मैं लास्ट में ये कहूँगा मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है,
चाहे वो पाकिस्तान में है, केपीके में है, पंजाब में है और जहाँ भी हैं। तो बस मेरा मशवरा ये है कि बग़ैर लिटरेचर के या बग़ैर इलम के, ठीक है, किसी को भी कोई ड्रग जो है या दवाई जो है आप नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि ड्रग यूज़ करने से मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन जो है, ठीक है, और स्पेशली मेरे जो पहले लेक्चर हैं उसमें मैंने ये कहा था कि भाई आप जितने भी ड्रग्स आप यूज़ करेंगे तो उससे पहले आपने उसके लिटरेचर को आपने रिव्यू करना है, ठीक है, कि कोई चीज़ वगैरह मिसिंग तो नहीं है। सो आई मीन दैट प्रिस्क्रिप्शन में बहुत एहतियात करना चाहिए, और क्योंकि ड्रग इस्तेमाल करने से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो हैं, ठीक है, आपके जिस्म में फैल सकते हैं। तो काइंडली वंस अगेन बहुत एहतियात से आपने जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पेशेंट को देना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं, कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग्स जो है वो सेफ है और कौन से ड्रग अनसेफ है, ठीक है। तो इसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। बहुत बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स।